तो बिपरजॉय साइक्लोन ने पगले तमाम जे तंत्र द्वारा तैयारी करवामां आवी छे। आजे मध्यरात्रि सुधी में वावाझोडुं संपूर्णपणे टकराई जशे अने खूब ज नुकसान थशे, त्यारे हवे तंत्र आगळ कई रीते पहोंची वळशे ते मुद्दे सीएमए पण बैठक करी अने परिस्थिति मुद्दे समीक्षा करी छे। साइक्लोन बिपरजॉय को मद्देनजर रखते हुए एनडीआरएफ की तमाम टीमें स्टैंड बाय पर है और कई टीमें ऑन ग्राउंड काम कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी ही टीम है जो यहाँ स्टैंड बाय मोड पर है भुज में। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक टीम जो इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि कोई कॉल ना आए और इन्हें तुरंत वहां पर जाना ना पड़े। इसी वक्त आपको बताएं कि साइक्लोन का तेज प्रकोप देखने को मिल रहा है और जरा बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले हम आपको कुछ इक्विपमेंट्स भी दिखाएं कि किस तरह से जब इस तरह से प्राकृतिक आपदा आती है तो जो एनडीआरएफ की टीम है या फिर इसके अलावा हम कहें जो स्थानीय टीम होती है, एसडीआरएफ की टीम होती है, ये सभी ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों की मदद के लिए आगे आती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी में अगर कोई डूब जाता है तो उसको बचाने से लेकर अगर सड़क पर पेड़ गिर जाता है, यातायात बाधित हो जाती है तो उसको भी ठीक करने के लिए यहाँ तमाम इक्विपमेंट्स नजर आ रहे हैं। इस टीम को जो लीड कर रहे हैं दिलीप सर, उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, आप लोग यहाँ पर कितनी टीमें हैं और आपकी टीम में खासकर कितने मेंबर्स हैं, कब से आप लोग स्टैंड बाय पे हैं? यहाँ कच्छ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 6 टीमें तैनात है और सभी अपने काम कर रही है। जिस हालात के अनुसार अभी देख सकते हैं कि मौसम कितनी ख़राब हो रखी है और पब्लिक को जो भी फंसे हुए उनको हम रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर हमारी टीमें निकाल रही है और हमारी टीम में टोटल 25 जवान जो है रेस्क्यूअर है जो कि अभी काम कर रहे हैं। सर एक्सपर्टीज क्या होती है, अगर आपकी टीम में जो लोग हैं उनकी क्या क्या खासियत है और इस तरह के खासकर साइक्लोन जब आता है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर एक टीम गठित की जाती है? साइक्लोन की बात की जाए तो साइक्लोन के लिए हमारा जवान FWR में जो फ्लड के बारे में, स्विमिंग के बारे में जानकारी हासिल की, उन लोग को 6 महीने का ट्रेनिंग दी जाती है और पहले प्रशिक्षण देकर उनको पूरी तरह तैयार की जाती है और समय समय पर एडवांस कोर्स भी उनको सिखलाई के लिए दिया जाता है और जो भी हमारे अलग अलग तरीके से वो रेस्क्यू करने में सक्षम है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप यहाँ देखिए कि एक बड़ी टीम तैयार है। ऐसी अलग अलग टीमें हैं और एक टीम में कम से कम 25 लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी खासियत होती है खासकर इस तरह के नेचुरल डिजास्टर में काम करने के लिए। और एक मंदिर में यहाँ पर ये लोग रुके हैं, स्टैंड बाय पर है आम जनता की मदद के लिए और इंतज़ार बस इसी बात का है कि अगर कहीं से कॉल आए तो ये तुरंत यहाँ से एक्शन मोड में उस लोकेशन पर पहुँचे और लोगों की मदद कर पाए। बुध से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।